झारखंड मंथ सबकी आवाज। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्तांतरण के बाद यह जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल था एक्ट बन चुका है, इसके बावजूद इस बिल का विरोध क्यों, इस कानून का विरोध क्यों? विरोध यही हो रहा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा हमेशा लगता है, तो फिर मुस्लिम का नाम इसमें क्यों नहीं है जो इसके खिलाफ है? और हम ही एक मुस्लिम, मैं मुस्लिम लेडी हूँ, मैं ही इसका इस खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ हमारी बहनें हैं, ये हमारी कोई मिंज हैं, ये हिंदू हैं, जिसका विरोध सब लोग कर रहे हैं। चूँकि सब लोग का संविधान में सबके बारे में है कि सब आपस में सब एक हैं, तो आज ये फिर मुस्लिम अलग क्यों? अमित शाह का कहना है, जो हमारे गृह मंत्री है, कि यह कानून नागरिकता देने का काम करेगा, लेने का नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? सीए का मतलब तो अब हम लोग यही समझे हैं कि बाहर के बच्चे को गोद लेना, और एनआरसी का मतलब यही समझ रहे हैं कि यहाँ के लोग को बाहर भेज देना। एनआरसी केवल अभी असम में लागू हुआ है, अभी पूरा राज्य में लागू नहीं हुआ है, तो ऐसे में ये बात पार्लियामेंट में अमित शाह को नहीं बोलना चाहिए था कि ये पूरे देश में लागू होगा, ये क्यों बोल दिए जो हम इसके खिलाफ है? अभी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है कि सीए का हम कुछ विरोध नहीं करेंगे, उसके लिए टाइमिंग दिया गया है। अच्छा। तो इस विषय पे आपका क्या विचार है? ठीक, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग इंतजार करेंगे, हम लोग ये प्रोटेस्ट में लगे रहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।